हिंदी पाठों की श्रृंखला में हम चलते हैं क्लास 12 हिंदी आरोह नामक पाठ्य पुस्तक से, जिसका कि आज 9वां पाठ है गजल। कौन सा गजल? जो कि फिराक गोरखपुरी की जो गजलें हैं, उनका इस गजल लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है पाठ में, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पाठ में फिराक की एक गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी, समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर रही है। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है, वह भी दिखाई देती है। नौरस अर्थात नया रस, गुंचे अर्थात कलियों में नया नया रस भर आया है। रस के बढ़ जाने से कलियां विकसित हो रही हैं, धीरे धीरे उनकी पंखुड़ियां अपनी बंद गांठें खोल रही हैं। कवि के शब्दों में नवरस ही उनकी बंद गांठें खोल रहा है। रंग और सुगंध दो पक्षी हैं, दो कलियों जो कलियों में बंद हैं तथा उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। यह स्थिति कलियों के फूल बन जाने से पूर्व की है, जो फूल बन जाने की प्रतीक्षा में है। पड़तौलना एक मुहावरा है जो उड़ान की क्षमता आंकने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं रात्रि का सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, इसलिए तारे पलकें झपका रहे हैं। लगता है कि प्रकृति का कण कण कुछ कह रहा है। वियोग की स्थिति में प्रकृति भी संवाद करती प्रतीत होती है। वहीं आगे अगर पाठ सार में बात करते हैं तो कवि जीवन से संतुष्ट नहीं है। भाग्य से शिकायत का भाव इन पंक्तियों में झलकता है। हम और किस्मत दोनों शब्द एक ही व्यक्ति अर्थात फिराक के लिए प्रयुक्त हैं। हम और किस्मत में अभेद है, यही विशेषता है। मुहावरों का प्रयोग किस्मत का रोना निराशा का प्रतीक है। वहीं पर्दा खोलना, भेद खोलना, सच्चाई बयान करना सरल अभिव्यक्ति भाषा में प्रभाव में आता है। पर्दा शब्दों की पुनरावृत्तियां मोहक हैं। शायर ने दुनिया के इस दस्तूर का वर्णन किया है कि लोग दूसरों को बदनाम करते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि इस तरह वे अपनी दुष्ट प्रकृति को ही उद्घाटित करते हैं, दिखाते हैं। तो कवि के अंदर प्रेम का भाव गहरा प्रतीत होता है, उसमें विवेक भी है और दीवानापन भी दिखाई देता है। अपने प्रेम को पाने के लिए वह किसी भी तरह का सौदा करने के लिए तैयार होता है। आगे जब देखते हैं तो कवि के अंदर एक तरफ प्रेम का भाव भरा पूरा है, तो दूसरी तरफ उसे दुनियादारी की भी चिंता होती है। वह अपने प्रेमिका के दुख में शामिल होना तो चाहता है, पर दुनिया के डर से चुपके चुपके रो लेता है। फितरत का कायम है जितना खोले हैं। तो इस अगर गजल की बात करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति सर्वस्व लुटा देने पर होती है। वह कहता है कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वह अपना सब कुछ लुटा देने पर होती है। प्रेम के संसार का भी यही नियम है कि स्वयं को खोकर ही प्रेम प्राप्ति की जा सकती है। बाहरी चमक दमक से लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। शायर के शेरों की चमक के पीछे उसके हृदय की पीड़ा बोलती है। उसका ज्ञान केवल शायर की है, शायर का ही है। दुनिया को वह अनदेखा करती है। वहीं अगर बात करते हैं ऐसे में तू जग जग खोले है, तो इस गजल में शराब की महफिल में शराबी को देर रात याद आती है
क्या आसमान में मनुष्य के पापों का लेखा जोखा होता है? जैसे आधी रात के समय फरिश्ते लोगों के पापों के अध्याय खोलते हैं, वैसे ही रात के समय शराब पीते हुए शायर को महबूबा की याद आती है। मानो महबूबा फरिश्तों की तरह पाप स्थल के आसपास ही है, उसको ऐसा प्रतीत होता है। वहीं अगर सदके फिराक नमकीन पंक्तियों में फिराक कहते हैं कि उनकी शायरी में मीर की शायरी की उत्कृष्टता ध्वनित हो रही है, मीर की शायरी की जो उत्कृष्टता है वह ध्वनित हो रही है। वहीं अगर उनकी रुबाइयों की अगर बात की जाए तो उर्दू शायरी की रिवायत के विपरीत फिराक गोरखपुरी के साहित्य में लोक जीवन एवं प्रकृति की झलक मिलती है। सामाजिक संवेदना वैयक्तिक अनुभूति बनकर उनकी रचनाओं में व्यक्त हुई है। जीवन का कठोर यथार्थ उनकी रचनाओं में स्थान पाता है। उन्होंने लोक भाषा के प्रतीकों का प्रयोग किया है। लाक्षणिक प्रयोग उनकी भाषा की विशेषताएं हैं। फिराक की रुबाइयों में घरेलू हिंदी का रूप दिखता है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। रुबाई जो है उर्दू या फारसी का एक छंद या लेखन शैली होती है, जिसमें चार पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया जिसे बोलते हैं मिलाया जाता है, तुक मिलाया जाता है। और जो तीसरी पंक्ति होती है वह स्वच्छंद होती है। बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा गया है जो माँ के लिए बहुत प्यारा होता है। गोद भरी शब्द प्रयोग माँ के वात्सल्यपूर्ण आनंदित उत्साह को प्रकट करता है। वहीं यह अत्यंत सुंदर बिंब दृश्य है। सूनी गोद के विपरीत गोद का भरना माँ के लिए असीम सौभाग्य का सूचक है। और इसी सौभाग्य का सूक्ष्म एहसास माँ को तृप्ति देता है। जब माँ बच्चे को बाहों में लेकर हवा में उछालती है तो इसे लोका देना कहा जाता है। छोटे बच्चों को यह खेल बहुत अच्छा लगता है। हवा में उछालने या लोका देने से बच्चा माँ का वात्सल्य पाकर प्रसन्न होता है और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। बच्चे की किलकारियाँ माँ के आनंद को दोगुना कर देती हैं। वहीं माँ ने अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाया, फिर उसके उलझे बालों में कंघी की। माँ के स्पर्श और नहाने के आनंद से बच्चा प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से माँ को निहारता है। प्रतिदिन की एक स्वाभाविक क्रिया से कैसे माँ बच्चे का प्रेम विकसित होता है और प्रगाढ़ होता चला जाता है। इस भाव को इस रुबाई में बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आगे कवि ने बालक की निर्मलता एवं पवित्रता को जल की निर्मलता के माध्यम से अंकित किया है कि के छलके छलके निर्मल जल से। अर्थात जो बालक की जो निर्मलता है, पवित्रता है, उसको जल की निर्मलता के माध्यम से अंकित किया है। छलकना शब्द जल की ताज़ा बूंदों का बालक के शरीर पर छलछलाने का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत करता है। सावधानी से बच्चे को चोट पहुंचाए बिना उसे कपड़े पहनाने से माँ के मातृत्व की कुशलता बिंबित होती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, इस पंक्ति में क्या है, माँ बच्चे का वात्सल्य बिंबित हुआ है। माँ से प्यार, दुलार, स्पर्श सुख, नहलाए जाने के आनंद को अनुभव करते हुए बच्चा माँ को प्यार भरी नज़रों से देखकर उस सुख की अभिव्यक्ति कर रहा है। यह सूक्ष्म भाव अत्यंत मनोरम बन पड़ा है। संपूर्ण रुबाई में दृश्य बिंब है। तो दृश्य बिंब क्या होता है कि बच्चे को गोद में लेना, हवा में उछालना, स्नान कराना, घुटनों में लेकर कपड़े पहनाना,
इन शब्दों में क्या है, दृश्य बिंब दिखाई देता है। वहीं श्रव्य बिंब की अगर बात करें तो बच्चे का खिलखिलाकर हंस पड़ना, यह श्रव्य बिंब दिखाई देता है। स्पर्श बिंब, बच्चे को स्नान कराते हुए स्पर्श करना, वह स्पर्श बिंब दिखाई देता है। दिवाली में पुताई और सजावट से घर साफ और सुंदर हो जाते हैं। घरों में रोशनी दिए के कारण तो होती ही है, पर बच्चे के चेहरे की दमक से घर में प्रकाश वैसे ही फैल जाता है। चीनी मिट्टी के खिलौनों की चमक बच्चे को खुश कर देती है। चौथे रुबाई में बालक की हट करने की विशेषता अभिव्यक्त हुई है। बच्चे जब जिद पर आ जाते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए नाना प्रकार की हरकतें किया करते हैं। जिद याया शब्द लोक भाषा का विलक्षण प्रयोग है, जिसमें बच्चे का ठुनकना, तुनकना, पांव पटकना, रोना आदि सभी क्रियाएं शामिल हैं। माँ बच्चे को बहलाना जानती है और उसके लिए तो बच्चा ही चांद है। दर्पण में चांद को उतारना माँ की समझदारी दर्शाती है। राखी के चमकीले तारों को लक्ष्य कहा गया है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लक्ष्य हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध छीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। सावन में बिजली की चमक की तरह राखी के जो चमकीले धागों की सुंदरता देखते ही बनती है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।